स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। लास्ट पीरियड में हमने आपका ग्रामर का टॉपिक शुरू किया था, जिसका नाम था कारक विभक्ति ही। हमने प्रथमा, द्वितीया एंड तृतीया इतनी विभक्ति देखी थी। आज हम उसके आगे देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही। संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही, उस विभक्ति का चिन्ह है के लिए, इंग्लिश में है फॉर। कर्ता, जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। सब्जेक्ट है वो, अगर किसी के लिए कुछ भी काम करता है तो जिसके लिए वो काम होता है उसे संप्रदान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं हम किसके लिए, इस प्रश्न का जब हमें उत्तर मिलता है वो संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी आपके टेबल बाय हार्ट होने चाहिए इसके लिए। सो, इसके लिए अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज अम्बा पुत्राय ओदनम पचति। अम्बा मतलब मदर, पुत्राय पुत्र के लिए, चतुर्थी विभक्ति, पुत्र इज अ पुल्लिंग वर्ड, तो पुत्राय चतुर्थी, जैसे देवाय रामाय, यह पुत्राय, तो पुत्र के लिए। ओदनम, ओदनम का मीनिंग है राइस, जो चावल बनाते हैं वो। पचति कुक, तो इज कुकिंग, तो माँ बेटे के लिए चावल पका रही है, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। हम क्वेश्चन पूछेंगे तो किसके लिए चावल, माँ किसके लिए चावल पका रही है, ऐसे पूछेंगे ना, किसके लिए। तो कस्मै मतलब किसके लिए, अम्बा कस्मै ओदनम पचति, तो आंसर इज पुत्राय। कस्मै पुत्राय, कस्मै का मीनिंग है किसके लिए, के लिए। तो यहाँ पे किम प्रोनाउन का हमारा जो पुल्लिंग है वो चतुर्थी एक वचनम है कस्मै। अम्बा कस्मै ओदनम पचति, अम्बा पुत्राय ओदनम पचति। सो अवर आंसर इज, यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक क्या है, पुत्राय। नाउ नंबर टू, पिता सूतायै क्रीडनकम यच्छति। पिता फादर, सूता, सूता का मीनिंग है डॉटर, सूतायै डॉटर के लिए। सूता इज अ स्त्रीलिंग वर्ड लाइक माला, तो यहाँ पे सूतायी लड़की के लिए, अपनी डॉटर के लिए क्रीडनकम यच्छति। क्रीडनकम मतलब टॉय, यच्छति दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, लड़की को। तो वो यहाँ पे याद रखना है, जो रिसीवर है वो संप्रदान कहलाता है, जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी होती है। वो जो टॉय वो किसके लिए है, बेटी के लिए, तो यहाँ पे उसकी चतुर्थी होगी सूतायी। पिता कस्यै क्रीडनकं यच्छति, सूतायै, कस्यै सूतायै। तो यहाँ पे किम प्रोनाउन का चतुर्थी एक वचनम स्त्रीलिंगम का है कस्यै, क्योंकि सूता वर्ड स्त्रीलिंग है, पुत्र वर्ड पुल्लिंग था, तो वहाँ पे हमने कस्मै लिया। यहाँ पे सूतायै, सूता स्त्रीलिंग वर्ड है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन पूछते वक्त स्त्रीलिंग ही प्रोनाउन पूछेंगे, तो वो है कस्यै। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सूतायै, ये हमारा संप्रदान कारक है। त्वं वृद्धेभ्यः फलानि नयसि, त्वं यू वृद्धेभ्यः, वृद्ध का मीनिंग ओल्ड पर्सन, एल्डर पर्सन। वृद्धेभ्यः इसी, ये एक बहुवचन है, वृद्धाय वृद्धाभ्याम वृद्धेभ्यः फलानि नयसि, फलानि फ्रूट्स, नयसि नी नय मतलब लेके जाना, तुम एल्डर पर्सन्स के लिए, बुढ़ों के लिए, एजेड लोगों के लिए, ऐसे फलानि नयसि फ्रूट लेके जा रहे हो। त्वं, तो वृद्धेभ्यः इज अ बहुवचनम, तो यहाँ पे कस्मै काभ्याम केभ्यः, क्या पूछा है, केभ्यः, त्वं केभ्यः फलानि नयसि, तुम किसके लिए फ्रूट्स लेके जा रहे हो। यहाँ पे भी हमने चतुर्थी है, तो केभ्यः हमने क्या पूछना है, क्वेश्चन के किसके लिए, तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा संप्रदान कारक रहता है। यहाँ पे किसके लिए, तो वृद्धेभ्यः एल्डर पर्सन्स के लिए, ऐसे हमारा ये आंसर है। तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक है वृद्धेभ्यः। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर फोर, भक्ताः दर्शनाय देवालयं गच्छन्ति। भक्ताः डिवोटीज, दर्शनाय देवालयं गच्छन्ति, दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पे भक्त लोग दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं, ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। भक्ताः कस्मै देवालयं गच्छति, भक्ताः कस्मै देवालयं गच्छन्ति, भक्ताः किसके लिए मंदिर जाते हैं,
ऐसा हम क्वेश्चन पूछेंगे। कस्मै, किसके लिए? तो दर्शनाय, दर्शन के लिए। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दर्शन के लिए। तो ये हमारा संप्रदान हुआ, दर्शन के लिए। दर्शनाय धिस वर्ड इज अवर संप्रदान, संप्रदान कारक। यहाँ पे हम ऐसे पहचानेंगे, हम पूछेंगे क्वेश्चन किसके लिए। आफ्टर दैट नंबर 5, सैनिकाहा देश रक्षायै तत्पराहा भवंती। सैनिकाहा मतलब सोल्जर्स, देश रक्षायै, देश रक्षा, रक्षा इज स्त्रीलिंग वर्ड, तो ये स्त्रीलिंग वर्ड है देश रक्षा, उसकी चतुर्थी देश रक्षायै, देश रक्षा के लिए तत्पराहा भवंती। तत्पराहा मतलब सज्जा, रेडी, तो सोल्जर्स आर रेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, देश रक्षा के लिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, उसके लिए वो सोल्जर्स रेडी रहते हैं, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो सैनिकाहा कस्यै तत्पराहा भवंती, सैनिक जो है सोल्जर्स किसके लिए रेडी रहते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन पूछेंगे किसके लिए। सो अवर आंसर इज देश रक्षायै, दिस इज अवर संप्रदान कारकम। आफ्टर दैट दिस आर योर आंसर्स। देख, अम्बा पुत्राय ओदनम पचति, इस सेंटेंस में चतुर्थी विभक्ति वाला वर्ड कौन सा है? पुत्राय, तो ये हमारा संप्रदान वाला वर्ड है। सेकंड इज पिता सूतायै क्रीडनकम यच्छति, यहाँ पे सूतायै। त्वं वृद्धेभ्यः फलानि नयसि, वृद्धेभ्यः वृद्धों के लिए, एल्डर पर्सन्स के लिए। भक्ताः दर्शनाय देवालयं गच्छन्ति, दर्शन के लिए, डिओटीज दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे हैं। सैनिकाः, नंबर 5, सैनिकाः देशरक्षायै तत्पराः भवन्ति, सोल्जर्स आर रेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। फॉर, देखो यहाँ पे इंग्लिश में क्या रहता है, फॉर। भक्ता दर्शन के लिए जाते, तो डिवोटीज आर गोइंग टू द टेम्पल फॉर दर्शन, दर्शन लेने को जाते हैं। और पुत्र, अम्बा पुत्राय ओदनम पचति, तो माँ बच्चे के लिए, शी मेकिंग राइस फॉर द सन, यहाँ पे हमारा इंग्लिश में क्या आता है, प्रीपोजिशन फॉर, ये भी हमने याद रखना है, तो वो हमारे वर्ड संप्रदान कारक कहलाते हैं। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट कारक इज अपादान कारकम पंचमी विभक्ति ही। अपादान से, देखो तृतीया में भी से है, लेकिन वो विथ एंड बाय से, मतलब के द्वारा, ऐसा है वहाँ पे, तृतीया करण से के द्वारा। और यहाँ पे अपादान से अलग होना, अलग होने के अर्थ में पृथक, अलग होना, पृथक का मीनिंग भी अलग होना, यहाँ पे सेपरेशन होता है, उसके लिए पंचमी विभक्ति का यूज़ होता है। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन है फ्रॉम। जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई हो जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्कूल से घर आए, तो हम स्कूल से अलग हो गए, उसे अपादान कहा जाता है। तो हम स्कूल से अलग हुए, तो स्कूल जो वर्ड है हमारी, पाठशाला या विद्यालय, उस वर्ड की पंचमी होती है। जिससे अलग हुआ जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम स्कूल से अलग हुए, तो स्कूल जो है वो वर्ड, पाठशाला या विद्यालय, उस वर्ड की पंचमी आएगी। घर से अलग हुए, तो गृहम जो हमारा वर्ड है, उसकी पंचमी आएगी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और अपादान कारक विभक्ति है हमारी, उसका चिन्ह है से, फ्रॉम, अलग होने का मीनिंग याद रखना है यहाँ पे हमने, सेपरेशन। सो हम इसके वाक्य प्रयोग देखेंगे। नंबर 1, वृक्षात पत्राणी पतंती, पत्राणी लीव्स, पतंती गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं? वृक्षात, पेड़ से। देखो यहाँ पे से आया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन वो पत्ते पेड़ से नीचे गिरे, तो वो सेपरेशन हुआ यहाँ पे। कस्मात पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, कस्मात, कहाँ से, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से पत्ते गिर रहे हैं, क्वेश्चन में हमने से पूछना है, कहाँ से, ये याद रखो, क्योंकि हमारी, हमारा चिन्ह है से, तो हम पूछेंगे कहाँ से। नंबर, तो यहाँ पे हमारा पंच जो अपादान कारक क्या हुआ, वृक्षात, वो वर्ड हमारा वृक्षात, दिस इज द सेंटेंस ऑफ अपादान कारक। नंबर 2, मेघेभ्यः वर्षा भवती, इस सेंटेंस में हमारा अपादान कारक क्या है, मेघेभ्यः वर्षा भवती, वर्षा का मीनिंग है बारिश, भवती होती है, बारिश होती है, मेघों से, मेघ मतलब क्लाउड, ये मेघों से बहुवचन है, मेघ पुल्लिंग वर्ड है,
मेघ, तो यहाँ पे मेघाय मेघाभ्याम मेघे भ्य, तो यहाँ पे क्या है, बादलों से बारिश हो रही है, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है बादलों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे केभ्यः वर्षा भवती, केभ्यः मेघेभ्यः, दिस इज अवर आंसर। इस तरह हम पहचानेंगे कि हमारा कारक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ से बारिश हो रही है, बादलों से, तो यहाँ पे मेघेभ्यः इज अवर आंसर। आफ्टर दैट नंबर थ्री, बालकस्य हस्तात् लेखनी पतति, बालकस्य षष्ठी विभक्ति है, बालक के हस्तात् हाथ से लेखनी मतलब पेन पतति, नीचे गिर गई, गिर रही है, ओके। तू पत, जो वर्ड है पत इज अ धातु, उसका मीनिंग है फॉल डाउन, फॉल एक्चुअली फॉल। बालकस्य कस्मात् लेखनी पतति, बालक के हाथ से लेखनी गिर रही है, तो हम पूछेंगे बालक के किस से, कहाँ से लेखनी गिर रही है, तो हाथ से, और आंसर इज हस्तात्, हस्त का मीनिंग है हाथ। तो यहाँ पे हमारा अपादान कारक का वर्ड कौन सा है, हस्तात्। नाउ नंबर फोर, सॉरी नंबर फोर, पादपात पुष्पाणि मातरोटय, माँ मतलब नो, नहीं, डोंट डू ऐसे बोलते हैं, उसके लिए माँ वर्ड है। पादपह मतलब प्लांट, वृक्ष ट्री, एंड पादपह प्लांट, जो छोटा जो रहता है थोड़ा उसको प्लांट बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में पादपह बोलते हैं, पुल्लिंग वर्ड है। पादपात पुष्पाणि मातरोटय, त्रोटय मत ये धातु है, त्रोटय उसका मीनिंग है तोड़ो मत, मातरोटय तोड़ो मत। तो पादपात मतलब पौधों से पुष्पों को तोड़ो मत, क्या करो, पौधों से पुष्पाणि मतलब पुष्प तोड़ो मत, ऐसे वहाँ पे बोला गया है, पौधों से फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पे पादपात इज अ पंचमी विभक्ति। कस्मात पुष्पाणि मातरोटय, कस्मात, हम क्वेश्चन पूछते वक्त पूछेंगे कस्मात पुष्पाणि मातरोटय, कहाँ से फूल मत तो फूल नहीं तोड़ने हैं, कहाँ से, तो पौधों से, तो पादपात, दिस इज अवर अपादान कारकम। आफ्टर दैट नंबर फाइव, देखो यहाँ पे भी पुष्प अगर हम तोड़ेंगे तो वृक्ष से वो अलग होते हैं, सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन याद रखना है। गंगा हिमालयात निस्सरती, गंगा हिमालयात निस्सरती का मीनिंग है, हिमालयात मतलब हिमालय से, निस्सरती कम्स आउट, कम आउट ऑफ, कहाँ से आती है गंगा, कहाँ से आती है, तो हिमालय से, गंगा हिमालय से आती है, ऐसे यहाँ इस लाइन का मीनिंग है। तो गंगा कहाँ से आती है, ऐसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, गंगा अकस्मात निस्सरती, तो हिमालयात, दिस इज अवर अपादान, दिस आर योर आंसर्स। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पंचमी एक वचनम, मेघेभ्यः वर्षा भवती, मेघों से बादलों से बारिश हो रही है, मेघेभ्यः इज अ बहुवचनम, पंचमी बहुवचनम। बालकस्य हस्तात् लेखनी पतति, बालक के हाथ से, कहाँ से, हाथ से, देखो यहाँ पे भी हाथ से पेन नीचे गिर गई तो सेपरेशन हुआ, बादलों से जब बारिश नीचे गिरती है तो वहाँ पे भी सेपरेशन हुआ, जब सेपरेशन होता है तब पंचमी विभक्ति का यूज़ होता है। पादपात पुष्पाणि मातरोटय, पौधों से फूलों को मत तोड़ो, पौधों से, और गंगा हिमालयात निस्सरती, गंगा हिमालय से आती है, कहाँ से आती है, हिमालय से, तो वहाँ से गंगा का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति के, वहाँ पे पंचमी विभक्ति का यूज़ होता है, जहाँ सेपरेशन है वहाँ पंचमी, आपने याद रखना है। नाउ अवर नेक्स्ट विभक्ति इज सॉरी संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति ही, संबंध कारकम उसका चिन्ह क्या है, का के की रा रे री, और इंग्लिश में है ऑफ। देखो जब भी हम बोलते हैं उसका, ये वह उसका घर है तो का आता है, उसके उसकी उसकी बुक है तो उसकी बोलेंगे, लेकिन हमारा बोलना है हमारा मेरा मेरी तो रा यूज़ होता है। यहाँ पे संबंध कारक हमें पोजेशन दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, वो भी याद रखना है। संज्ञा मतलब नाउन आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का यूज़ होता है। कुछ वैयाकरण मतलब व्याकरण के जो स्कॉलर्स लोग हैं, ज्ञाता लोग, वो संबंध को कारक नहीं मानते, क्योंकि संबंध कारक जो वर्ड रहते हैं इसका क्रिया के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए वैयाकरण जो वैयाकरण लोग हैं
कुछ व्याकरण लोग, वो लोग संबंध को कारक नहीं मानते हैं, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। नाउ अवर सेंटेंसेस। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति। चंद्रस्य मतलब ऑफ द मून, यहाँ पे ऑफ आया देखो, मतलब चंद्र का मीनिंग क्या है, मून। प्रकाशः मतलब प्रकाशः, चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, जो चंदा है उसका प्रकाश है वो कूल रहता है। कैसा रहता है, लाइट ऑफ द मून इज़ वेरी कूल, कूल रहती है। चंद्र का मीनिंग है मून एंड प्रकाश का मीनिंग है लाइट। चंद्रस्य चंद्र का प्रकाश शीतल होता है, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो हम क्या पूछेंगे इसमें, क्वेश्चन पूछते वक्त का की के है, तो हमने क्वेश्चन पूछना है किसका, किसकी, किसके, ऐसे। किसका प्रकाश शीतल रहता है, कस्य प्रकाश शीतल भवति, आंसर आएगा चंद्रस्य। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे किसका। आफ्टर दैट नंबर टू, बृहस्पति देवानाम गुरु अस्ति। बृहस्पति देवानाम, देवों के गुरु है। तो हम पूछेंगे, देखो देवानाम इज अ बहुवचनम, चंद्रस्य तो हमारा एक वचनम था, चंद्र इज द पुल्लिंग वर्ड और देव भी पुल्लिंग वर्ड है, बट देवस्य देवयोः देवानाम, दिस इज षष्ठी बहुवचनम, देवानाम। बृहस्पति देवों के गुरु है, तो हम पूछेंगे किसके गुरु है। इसके लिए हमें षष्ठी का जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी क्या पूछेंगे, कस्य कयो हो केशाम, तो हम केशाम पूछेंगे। बृहस्पति केशाम गुरु अस्ति, आंसर इज देवानाम, दिस इज अवर संबंध कारकम, देवानाम। आफ्टर दैट, लतायाः पत्राणि नूतनानि सन्ति। लता, लता मतलब क्रीपर, लतायाः क्रीपर के बेलों के पत्राणि पत्ते, नूतनानि सन्ति नए है, कैसे है, नूतन मतलब न्यू, तो जो पत्ते हैं लीव्स ऑफ द क्रीपर्स आर न्यू, कैसे है, क्रीपर के लीव्स है वो न्यू है। क्रीपर के, उसके लिए कौन सा आएगा, किसके, किसके, तो यहाँ पे लता वर्ड स्त्रीलिंग है, तो हम पूछेंगे कस्याः पत्राणि नूतनानि सन्ति, किसके पत्ते नए हैं, अवर आंसर इज लतायाः, ये हमारी संबंध कारक का वर्ड है लतायाः। सो नाउ अवर नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ, युवयोः जनकः आगच्छति, है ना, तो यहाँ पे जनक का मीनिंग क्या है, फादर। आगच्छति मतलब आ रहे हैं, युवयोः, दिस इज युष्मत् प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष के लिए यूज़ होता है। त्वम युवाम युयम, वो वाला हम बोलते हैं ना, उसमें यूज़ होता है युवयोः, युष्मत् प्रोनाउन, तो उसकी षष्ठी है तव, मतलब तुम्हारा, तेरा, ऐसे तव युवयोः युष्माकम्, तेरा तुम दोनों का, तुम सबका, तो यहाँ पे तुम दोनों का, तुम दोनों के, ऐसे आएगा युवयोः, तुम दोनों के, जनकः आगच्छति, तुम दोनों के पापा आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तुम दोनों के, उसके लिए क्वेश्चन में भी द्विवचन पूछेंगे हम, कस्य कयोः, तो यहाँ पे कयोः, कयोः जनकः आगच्छति, किन दोनों के पिता आ रहे हैं, तुम दोनों के, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, युवयोः, तो ये जो वर्ड है युवयोः, ये षष्ठी विभक्ति का है। आफ्टर दैट, यमुनायाः जलम कृष्णम अस्ति। कृष्णम का मीनिंग है ब्लैक, जलम वाटर, अस्ति है, यमुनायाः, यमुना का पानी काला है, तो कस्याः जलम कृष्णम अस्ति, किसका पानी काला है, यमुना इज अ स्त्रीलिंग वर्ड, यमुना एंडिंग इन आ, तो हम पूछेंगे कस्याः, कस्याः जलम कृष्णम अस्ति, यमुनायाः, तो हमारा षष्ठी वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पे, यमुनायाः, दिस वर्ड इज षष्ठी संबंध कारकम, सो दीज आर अवर आंसर्स। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, तो लाइट ऑफ द मून, ऑफ द मून, उसके लिए वर्ड है चंद्रस्य। तो देवानाम, तो देवानाम का मीनिंग क्या है, देवों के, ऑफ द गॉड्स, लतायाः, ऑफ द क्रीपर, युवयोः, तो आप दोनों के, किसके, दोनों के, ऑफ बोथ ऑफ यू, ऐसे यमुनायाः, यमुना का, तो यहाँ पे ऑफ यमुना, दिस इज अवर षष्ठी विभक्ति ही।
सप्त षष्ठी विभक्ति हम देखेंगे, अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति ही, उसका चिन्ह क्या है, अधिकरणम में पर, में पर मतलब इन ऑन एट अपॉन, वो इंग्लिश में यूज़ होते हैं। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का आधार वो अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी है, तिष्ठति बैठा है, बैठने की क्रिया, लेकिन उसका आधार क्या है, उसको सपोर्ट क्या है, वो आधार को अधिकरण बोलते हैं। अधिकरण हमें लोकेशन दिखाता है, वो याद रखना है। अधिकरण कारक में सप्तमी का प्रयोग होता है। सो नाउ दीज आर योर वाक्य प्रयोग। हम वाक्य प्रयोग करेंगे, खगाः निडेषु वसन्ति। इसमें हम कैसे पहचानेंगे, हमें पहचानना है सप्तमी वाला वर्ड्स, वो कैसे पहचानेंगे। खगाः मतलब बर्ड्स, निडेषु नीडम मतलब नपुंसकलिंगम वर्ड है, नीडम मतलब नेस्ट, निडेषु यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीडे नीडयोः निडेषु, नीडे मतलब इन द नेस्ट, निडेषु इन द नेस्ट यहाँ पे बहुवचन है। घोंसलों में वसंती रहते हैं, बर्ड्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं। खगाः केषु वसन्ति, किसमें रहते हैं, किसमें ये पूछना है हमने, केषु। और यहाँ पे सप्तमी के वक्त क्वेश्चन पूछते वक्त कुत्र अव्यय, उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। कुत्र दिस इज अव्यय, तो कुत्र का मीनिंग है कहाँ, तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, वैसे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे केषु और कुत्र दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो खगाः केषु वसन्ति, नहीं तो खगाः कुत्र वसन्ति, बर्ड्स कहाँ पर रह, किस में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो अवर आंसर इज निडेषु, घोंसलों में। तो दिस इज अवर अधिकरण कारकम, निडेषु दिस वर्ड इज ऑफ अधिकरण कारकम, सप्तमी बहुवचनम। नंबर टू, बालकाः तरणताले तरन्ति, बालकाः मतलब बच्चे, बॉयज, तरणताले, तरणताल उसका मीनिंग है स्विमिंग पूल, तो तरणताले दिस इज सप्तमी एक वचनम, इन द स्विमिंग पूल तरन्ति तैर रहे हैं। तो हम पूछेंगे बालकाः कुत्र तरन्ति, बच्चे कहाँ तैर रहे हैं, तो तरणताले। अगर हमें कस्मिन, हमें किम प्रोनाउन का जो लेना है फॉर्म, तो वो भी हम पुल्लिंग का लेंगे कस्मिन, बालकाः कस्मिन तरन्ति, तो बच्चे किस में तैर रहे हैं, तो तरणताले स्विमिंग पूल में, यहाँ पे में पर याद रखना है हमने, कहाँ ऐसा भी हम इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने पहले बताया था सप्तमी हमें लोकेशन दिखाती है, तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, तरणताले, प्लेस दिखाती है हमें। नंबर थ्री, छात्राः कक्षायां पठन्ति, छात्राः स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कक्षा में, कक्षायां, कक्षा इज अ स्त्रीलिंग वर्ड, कक्षायां, तो उसकी सप्तमी एकवचनम हुआ कक्षायां। छात्राः कस्याम, कुत्र दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, छात्राः कस्याम पठन्ति, स्टूडेंट्स किसमें पढ़ रहे हैं, कक्षा में, और कहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर भी कक्षा में, तो हम दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कस्याम और कुत्र, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुत्र इजी जाता है सब, क्योंकि कुत्र में हमें कोई भी लिंग है वो देखना नहीं पड़ता, हम किसी भी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग उसके लिए कुत्र यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट नंबर फोर, नहीं पहले इसके आंसर्स देख लो, सॉरी नंबर फोर, पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति, पुस्तकानि मतलब बुक्स, पुस्तकालय का मीनिंग है लाइब्रेरी, पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति, लाइब्रेरी में क्या है, बुक्स है, तो हम पूछेंगे बुक्स कहाँ है, नहीं तो बुक्स किस में है, तो लाइब्रेरी में, उसके लिए वर्ड क्या है, लाइब्रेरी को बोलते हैं पुस्तकालय, तो उसका सप्तमी एक वचन है पुस्तकालय, लाइब्रेरी में बुक्स है, कहाँ पे है बुक्स, लाइब्रेरी में। कस्मिन पुस्तकानि भवन्ति, किस में बुक्स है, लाइब्रेरी में, कुत्र मतलब कहाँ बुक्स है, लाइब्रेरी में, तो हमारा आंसर आएगा पुस्तकालय, दिस इज़ अवर अधिकरण कारकम।
लतासु पुष्पाणि सन्ति, लता लता क्रीपर, पुष्पाणि फ्लावर्स, सन्ति देर आर फ्लावर्स, फ्लावर्स आर ऑन द क्रीपर्स, तो यहाँ पे लता, लता का मीनिंग है क्रीपर। तो कुत्र पुष्पाणि सन्ति, फ्लावर्स कहाँ है, तो लतासु, ये बहुवचन है लतासु, लत तो यहाँ पे लतायाम लतयो हो लतासु, यहाँ पे है जो क्रीपर्स के ऊपर, क्रीपर्स एक नहीं है यहाँ पे, बहुवचन है यार, हमने यार हमने एक, एक देर इज़ नो ओनली वन क्रीपर, क्रीपर्स, फ्लावर्स आर ऑन द क्रीपर्स, बहुवचन है। तो कासु पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि कहाँ पर है, किस पर है, यहाँ पर पूछा जाता है किस पर है, तो लताओं पर, फूल है कहाँ पर है, लताओं पर। तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं फूल कहाँ पर है, कुत्र मतलब कहाँ, किस में, किस पर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अधिकरण वाला वर्ड कौन सा है, लतासु, सप्तमी बहुवचन। सो दीज आर योर आंसर्स, खगाः नीडेषु वसन्ति, नीडेषु बालकाः तरणताले तरन्ति, तो तरणताले इन द स्विमिंग पूल, वहाँ पे नीडेषु इन द नेक्स्ट, छात्राः कक्षायां पठन्ति इन द क्लास, कक्षायां, पुस्तकालये इन द लाइब्रेरी, एंड लतासु ऑन द क्रीपर्स, दीज आर अवर आंसर्स। आफ्टर अधिकरण कारकम नेक्स्ट इज संबोधनम, संबोधनम उस विभक्ति का चिन्ह है, हे भो हरे। अगर किसी को भी हमें कॉल करना है, बुलाना है हमारे पास, तो उस समय हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। संबोधन कर्ता को ही पुकारा जाने वाला रूप है, इसलिए उसे कारक नहीं माना जाता, और इसे अष्टमी विभक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि संबोधन एंड प्रथमा वो दोनों सेम ही रहते हैं। आप देखो प्रथमा एंड संबोधन, उसके एक वचन अलग रहते हैं, लेकिन द्विवचन और बहुवचन सेम ही रहते हैं। सो संबोधन कर्ता को ही बुलाने जाने वाला, पुकारा जाने वाला रूप है, और इसे कारक नहीं माना जाता। सो हम संबोधन के कुछ सेंटेंस देखेंगे। हे माले त्वं कुत्र गच्छसी, देखो यहाँ पे संबोधन पहचानना बहुत ही इजी है, उसके आगे हे भो अरे ऐसे वर्ड्स लगते हैं पहली बात, और दूसरी बात वो लिखने के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। यहाँ पे देखो माले लिखा है, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, हे माले, तो हे माला तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे पूछा है, तो हे माले त्वं कुत्र गच्छसी, भो छात्र अत्र आगच्छ, हे छात्र इधर आओ, अत्र आगच्छ यहाँ पर आओ, ऐसे बुलाया है। हे अशोक तुम किम करोशी, हे अशोक तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमें संबोधनम जो है वो वर्ड हमें पहचानना बहुत ही इजी है, हे लगाया जाता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। किसी को बुलाना है, कॉल और एड्रेस करना है, एट दैट टाइम हमने संबोधन विभक्ति का यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे प्रथमा से लेकर संबोधन तक सब विभक्ति हो गए। आफ्टर दैट ऐसे इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो हम थोड़े देखते हैं। दिस इज़ योर अभ्यास। कोष्टकगत शब्देषु उचितं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। पहला पार्ट जो हमने लिया था कारक विभक्ति का, उसमें हमने प्रथमा से तृतीया तक लिया और उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, और यहाँ पे हमने आगे चतुर्थी से लेकर संबोधन तक सब क्वेश्चन है। नंबर वन, प्रधानाचार्य डैश पुस्तकम अयच्छत, अयच्छत दा यच्छ मीनिंग क्या है उसका, टू गिव देना, अयच्छत इज अ पास्ट टेंस, गेव दिया ऐसे। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, पुस्तकम मतलब बुक, छात्र ब्रैकेट में वर्ड क्या दिया है, छात्र, तो प्रधानाचार्य ने छात्र को बुक दी, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है, किसको दी, छात्र को। लेकिन यहाँ पे चतुर्थी किसके लिए है ये बुक, छात्र के लिए, जहाँ पे दा यच्छ रूट आता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का यूज़ होता है। यहाँ पे जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, ये बुक किसको मिली, छात्र को, किसके लिए है बुक, छात्र के लिए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, चतुर्थी छात्र, तो उसकी चतुर्थी एक वचन हम क्या लिखेंगे, छात्राय, प्रधानाचार्य छात्राय पुस्तकम अयच्छत,
ये हमारा आंसर है। नंबर टू, एतत डैश विद्यालय अस्ति, एतत दिस विद्यालय तो स्कूल अस्ति है। अस्मत प्रोनाउन, दिस इज यूज फॉर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रोनाउन है अस्मत। वो किसके लिए यूज होता है, जब हमें बोलना है मेरा, हम दोनों का, हमारा, एट दैट टाइम हम अस्मत प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये मेरा स्कूल है, ये हम दोनों का स्कूल है, यहाँ ये हम सब का स्कूल है, हम कोई भी वर्ड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एतत अस्माकं विद्यालयः अस्ति, दिस इज अवर स्कूल। अस्मत प्रोनाउन का षष्ठी बहुवचन है अस्माकं। षष्ठी एकवचन क्या है, मम, द्विवचन है आवयोः, और बहुवचन है अस्माकं। मम आवयोः अस्माकं, एतत मम विद्यालयः अस्ति, ये मेरा स्कूल है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, मम आवयोः अस्माकं। सो नंबर थ्री, सिंहः गर्जति, सिंहः गर्जति मतलब लायन इज रोअरिंग। ब्रैकेट में दिया है वन, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे पहले। तो हम इसका मीनिंग क्या है, लायन इज रोअरिंग इन द जंगल, इन द जंगल, जंगल में, तो कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, में के लिए सप्तमी, अधिकरण कारकम में पर उसका चिन्ह है, तो यहाँ पे हमने सप्तमी यूज करनी है। सिंह वने गर्जति, ऐसा हमारा आंसर आएगा, वन में, तो सप्तमी, वन वर्ड का सप्तमी एक वचन है वने। आफ्टर दैट नंबर फोर, डैश जले कमलानी विकसंती, पानी में कमलानी मतलब कमलानी का मीनिंग है लोटस फ्लावर्स, विकसंती आर ब्लूमिंग, लोटस फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द वाटर, बट विच वाटर, किसके पानी में, सरोवर के पानी में, ब्रैकेट में सरोवर दिया है, तो हम ये सेंटेंस का मीनिंग कैसे बनाएंगे, सरोवर के पानी में कमलानी मतलब कमल के फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पे सरोवर जो वर्ड है उसकी कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी, सरोवरस्य, सरोवर के, का के की षष्ठी, सरोवरस्य आएगा। छात्राः डैश गृहम आगच्छन्ति, मैंने आपको द्वितीया जब सिखाई तब मैंने बोला था गम गच्छ धातु आया तो हम जहाँ पे जाते हैं उस प्लेस की द्वितीया, लेकिन यहाँ पे भी गम धातु है लेकिन आगच्छ है, आ प्लस गम मतलब रिटर्न आए, अगर हम कहाँ पे जाते हैं उस वहाँ, तो वहाँ पे द्वितीया आती है उस प्लेस की, लेकिन हम कहीं से रिटर्न आते हैं तो उस प्लेस की, जहाँ से हम रिटर्न आते हैं उसकी पंचमी होती है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन होता है। यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग देखो, छात्राः डैश गृहम आगच्छन्ति, स्टूडेंट्स आए, कहाँ पे आए, घर, गृहम मतलब घर आए, घर को आए, गृहम द्वितीया, आगच्छन्ति आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, विद्यालय वर्ड दिया है ब्रैकेट में, तो विद्यालय से घर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा से है, अधिकरण वाला, सॉरी, यहाँ पे कौन सा से है, अपादान, अपादान से अलग होना, क्योंकि वो विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी पंचमी विभक्ति आएगी, छात्राः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति, विद्यालय से घर आ रहे हैं, तो यहाँ पे विद्यालयात् पंचमी का यूज़ करेंगे हम। दीज आर योर आंसर्स। प्रधानाचार्यः छात्रायै, यहाँ पे छात्रायै, छात्रा का मीनिंग है गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट के लिए पुस्तक दे रहे हैं। एतत अस्माकं विद्यालयः अस्ति, दिस इज अवर स्कूल। सिंह वने गर्जति, लायन इज रोअरिंग इन द जंगल। सरोवरस्य जले कमलानि विकसन्ति, सरोवर के पानी में लोटस ब्लूम हो रहे हैं। छात्राः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति, स्टूडेंट्स आर कमिंग होम फ्रॉम द स्कूल, तो फ्रॉम द स्कूल के लिए कौन सा वर्ड है, विद्यालय से, तो विद्यालयात् पंचमी। दीज आर अवर आंसर्स। सेकंड क्वेश्चन आपको कैसे उसके आगे और है, नंबर सिक्स, दीपक डैश भवति, दीपक मतलब लैम्प, लैम्प किसके लिए रहता है, प्रकाश के लिए, यहाँ पे चतुर्थी देखो, के लिए संप्रदान के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति का यूज, तो दीपक प्रकाशाय भवति, प्रकाश वर्ड की चतुर्थी प्रकाशाय। माता डैश प्रसादम आनयति, देवालय, देखो हम कुछ भी लेकर आते हैं, माँ प्रसाद लेकर आई कहाँ से, देवालय से, यहाँ पे कौन सा से आएगा, तृतीया वाला या पंचमी वाला, पंचमी आएगी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन है, देवालय से वो आई, आनयति लेकर आई, यहाँ पे सेपरेशन हुआ,
माता देवालय से प्रसाद लेकर आई। तो यहाँ पे देवालय की पंचमी, देवालयात, माता देवालयात प्रसादम आनयति। नंबर 8, बालकाः डैश क्रीड़ाक्षेत्रम गच्छन्ति। देखो क्रीड़ाक्षेत्रम मतलब प्लेग्राउंड, क्रीड़ा क्षेत्र का मीनिंग है प्लेग्राउंड, क्रीड़ा क्षेत्र उसकी द्वितीय, क्रीड़ाक्षेत्रम क्रीड़ा क्षेत्र को गच्छन्ति जा रहे हैं। और ब्रैकेट में दिया है क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना, तो यहाँ पे खेलने के लिए बच्चे किसके लिए जा रहे हैं प्लेग्राउंड में, खेलने के लिए, तो चतुर्थी संप्रदान के लिए। तो क्रीड़ा वर्ग जो वर्ड है हमारा उसकी चतुर्थी क्या होगी, क्रीड़ायै, बच्चे खेलने के लिए प्लेग्राउंड जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। ऐसे खेलने के लिए इस वर्ड के लिए हम लिखेंगे क्रीड़ायै, दिस इज अ स्त्रीलिंग वर्ड। नंबर 9, वयम डैश पाठशालाम गच्छामः, हम पाठशाला में जाते हैं। क्यों जाते हैं पाठशाला को, पठन, देखो चतुर्थी विभक्ति जो है हमारी संप्रदान के लिए वो हमें हमारा पर्पस भी दिखाती है, क्यों जाते हैं, हमारा पर्पस क्या है, पढ़ना, तो पठनाय, वयम पठनाय, पठन पढ़ना, पढ़ने के लिए स्कूल में जा हम सब जाते हैं। वी ऑल आर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, पठनाय फॉर स्टडी, यहाँ में चतुर्थी विभक्ति है हमारी, पठनाय, दिस इज अवर आंसर। नंबर 10, डैश मेघाः गर्जन्ति, क्लाउड्स आर थंडरिंग, रोअरिंग एक्चुअली मतलब थंडरिंग, आकाश, वो कहाँ पे थंडर करते हैं, क्लाउड्स आकाश में, मे के लिए कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, अधिकरण में पर, तो आकाश वर्ड की सप्तमी आकाशे, आकाशे मेघाः गर्जन्ति, क्लाउड्स आर थंडरिंग इन द स्काई, इन द स्काई, इन ऑन एट अपॉन सप्तमी। आफ्टर दैट डैश अहम त्वाम स्मरामि, अहम में त्वाम तुम्हारा, तुम स्मरण कर रही हूँ, स्मरण स्मर धातु है, स्मरु स्मर मतलब स्मरण करना, रिमेम्बर ध्यान करना, अहम त्वाम स्मरामि, ब्रैकेट में दिया है ईश्वर, हे ईश्वर मैं तेरा स्मरण कर रही हूँ, तो हे ईश्वर, देखो हम ऐसे ही बोलेंगे हे ईश्वर, और वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, हे ईश्वर अहम त्वाम स्मरामि, दिस इज अवर संबोधनम। सो दीज आर अवर आंसर्स, दीपक प्रकाशाय भवति, माता देवालयात प्रसादम आनयति, बालकः क्रीडायै क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति, वयं पठनाय विद्यालयं पाठशालां गच्छामः, आकाशे मेघाः गर्जन्ति, हे ईश्वर अहं त्वां स्मरामि। इस तरह हमारे क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने प्रथमा से लेकर संबोधन तक पूरे सब के सब विभक्ति सीखी है, ऐसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में वगैरह आ सकते हैं। इसके लिए आपके टेबल सब बाय हार्ट होने चाहिए, तो ही आप विभक्ति के आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो आपको अगर पता चला यहाँ पे चतुर्थी आने वाली है लेकिन आपका टेबल ही लर्न नहीं है, तो प्रकाश का टेबल, तो उसकी चतुर्थी आपको पता है, चतुर्थी लेनी है कि दीपक प्रकाश के लिए होता है, के लिए अगर याद है आपको तो संप्रदान के लिए चतुर्थी यूज़ करना है, वो भी आपको याद है, लेकिन आपको प्रकाश का टेबल ही नहीं आ रहा है तो आप प्रकाश आया लिख नहीं पाएंगे। सो टेबल राम लता फल, वो तीनों टेबल आपके अच्छे से बाय हार्ट होने ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको कारक के आंसर आप सॉल्व कर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो हियर अवर कारक विभक्ति, दिस इज ओवर, दिस पोर्शन इज ओवर। आई थिंक दिस कंसेप्ट ऑफ कारक विभक्ति आपको अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू।